रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज को ले जाता है और उनके लिए जो सिंबल अलॉट हैं एज पर सिंबल अलॉटमेंट रूल रूल 1968 के उसके अनुसार उनको सिंबल अलॉट करते हैं। सबसे पहले आता है इसमें आशीष बुटेल, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आई एम इनके एजेंट, इनका रिजर्व सिंबल है हैंड, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इनको हैंड अलॉट किया जाता है। हमारा वीडियो नेक्स्ट इज भारतीय जनता पार्टी की इंदु बाला, इंदु गोस्वामी, उनका रिजर्व सिंबल है लोटस, उनको लोटस जो है वो अलॉट किया जाता है। उनका एजेंट भी है यहाँ पे। तीसरे नंबर पे हैं जी बाल मुकंदर, इज फ्रॉम बीएसपी, इनके लिए जो है इनका भी अलॉटेड सिंबल रिजर्व सिंबल है हाथी है एलिफेंट, एलिफेंट उनको अलॉट किया जाता है। नेक्स्ट आगे जी लेखराज, लेखराज जी हैं ये सीपीआईएम से, हम सीपीआईएम को जो इनका रिजर्व सिंबल है दैट इज हैमर सिक्कल एंड स्टार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इनको अलॉट किया जाता है। उसके बाद हमारा चलेगा अभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स में, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स में भी हमारे फर्स्ट कम फर्स्ट जो सबसे पहले नॉमिनेशन होता है सबसे पहले उनका लिया जाता है। उसमें सबसे पहले नंबर पे जो है बेनी प्रसाद जी ने नॉमिनेशन पेपर भरा था। आपको ये सिंबल अलॉट किया जाता है और ये इस पे साइन कर दो आप। चंद अलमीरा इसी करो, स्विंग मशीन है लॉक एंड की एंड एरोप्लेन, और एक हैं सुरेश कुमार, इंडिपेंडेंट हैं दोनों कैंडिडेट्स यही हैं, आप एजेंट हैं उनके और आप कैंडिडेट हो, दोनों की सेम चॉइस है स्विंग मशीन लॉक एंड की एंड एरोप्लेन, तो इसमें स्विंग मशीन के लिए जो है वो लॉट पड़ेगी, लॉटरी पड़ेगी। दो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरफ से स्विंग मशीन भरा गया था उसके लिए लड़की को बुलाया गया है जो लॉटरी से निकालेगी। प्रीति, इट इज ऑल ओके, एनी डाउट? नो डाउट, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, नहीं। पक्का कैंडिडेट्स? फिर डालो, आप डालो बिना देखे हुए ना, इसके अंदर कोई एक पर्ची निकाल दो। प्रवीण जी पढ़ दो आप बोला। सुरेश कुमार, सुरेश कुमार सिंह, सुरेश कुमार को। अगली चॉइस थी लॉक एंड की और एरोप्लेन, लॉक एंड की ऑटो रिक्शा, जो है वो आठ प्रत्याशी हैं, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स आशीष बुटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंदु गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी, बाल मुकंद बहुजन समाज पार्टी, लेखराज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, कपूर चौधरी निर्दलीय, प्रवीण कुमार निर्दलीय, बेनी प्रसाद निर्दलीय, सुरेश कुमार निर्दलीय। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद वो नॉमिनेशन वापस लेने को आता है फिर? नहीं, अभी तो खत्म है, अब आ रहा है आपको मिलने। चूंकि प्रक्रिया नॉमिनेशन वापस लेने का समय जो था केवल 3 बजे तक ही था, तो 3 बजे तक हमारे पास कोई भी कैंडिडेट जो है वो ना कैंडिडेट ना ही कैंडिडेट का कोई एजेंट हमारे पास आया, तो अब ये प्रोसेस चुनाव चिन्ह हमने जो है वो अलॉट कर दिए हैं।